क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय है? उदाहरण समुच्चय के उदाहरण है, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त समुच्चय बोला है। रिक्त समुच्चय इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, तो रिक्त समुच्चय जान लीजिए पहले किसे कहते हैं। ऐसा सदस्य या ऐसा समूह जिसमें अवयविक संख्या क्या हो? शून्य, उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, और इसे व्यक्त किससे करते हैं? फाई से। आगे समझ में? रिक्त समुच्चय क्या होगा? सदस्यों की ऐसी संख्या जिसमें अवयव क्या हो? जीरो होने, क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों की संख्या ही ना हो उसे क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। और रिप्रेजेंट का है करेंगे फाई से। चलिए अब करते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन, आपको ये चार उदाहरण दिए गए हैं, इसमें से आपको चेक करना है कि ऐसे कौन से परिवार हैं जिसमें समुच्चयों की संख्या है ही नहीं, अवयव है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। पहली बात तो विषम, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट होते हैं नंबर। ठीक है, बोल रहा दो से भाज्य हो, क्या दो से विषम संख्याएं भाज्य होती हैं? नहीं होती। जब नहीं होती तो अवयवों की संख्या क्या मिली? शून्य। जब अवयवों की संख्या शून्य मिली तो पहला जो उदाहरण हुआ, दो से भाज विषम प्राकृत संख्याओं का समूह या समुच्चय क्या हुआ? रिक्त समुच्चय। आगे समझ में? ये हुआ इम्पटी सेट, क्योंकि ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जो दो से भाज्य हो। अब करते हैं, चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन, समाभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समाभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो समाभाज्य संख्या क्या होती है? दो। दो एक सम संख्या है और अभाज्य है, क्योंकि प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सिर्फ दो से ही घटेगी और एक से, तो क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या कितनी मिल गई? दो। इसका आंसर क्या हुआ? दो। तो जब अवयवों की संख्या है हमारे पास तो ये समुच्चय क्या होगा? रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। आया समझ में? तो दूसरा वाला रिक्त समुच्चय नहीं है और पहला वाला रिक्त समुच्चय है। आगे समझ में? इसका आंसर क्या हो? समाभाज्य संख्याओं का समुच्चय में दो आ रहा, मतलब अवयवों की संख्या दो हो गई। और रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें अवयव संख्या ना हो, तो दूसरा वाला रिक्त समुच्चय नहीं है। आई बात थर्ड की, तो यक्ष का समुच्चय इस प्रकार है यक्ष का, कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, 1, 2, 3, 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, 8 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, फिर बोला है जो यक्ष का मान है, यक्ष क्या है? देखना, यक्ष जो है छोटा है 5 से, तो 5 से छोटा क्या होता है? देख लेते हैं, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। ठीक है, लेकिन वही बोल दिया साथ ही, यक्ष जो है तो 7 से बड़ा भी है, तो 7 से बड़ा क्या होगा? 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। ऐसे बताओ, ऐसे कोई नंबर है जो प्राकृतिक संख्या हो और 5 से बड़ी भी हो और 8 से, 5 से छोटी हो और 8 से बड़ी? ऐसी कोई संख्या होती नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय होगा, थर्ड वाला रिक्त समुच्चय, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या होती 4, 3, 2, 1। यहाँ बोला है यक्ष, यक्ष का मतलब क्या हुआ? कि दोनों एक ही नंबर है। ऐसी संख्या है कोई जो क्या है? यक्ष बड़ा है 5 से, 5 से बड़ी है और वहाँ यक्ष, यक्ष छोटा है, यक्ष छोटा है क्या? यक्ष यहाँ पे छोटा है, 5 बड़ा होगा। यक्ष छोटा है 5 से और यक्ष बड़ा है 7 से। ऐसी कोई संख्या, एक संख्या ऐसी बता दीजिए जो क्या हो? 5 से क्या हो? छोटी हो। तो 5 से छोटी तो 4, 3, 2, 1 होती है। और साथ ही साथ यही बताना कि 7 से बड़ी हो। अगर मैं लिया कि यक्ष का मान क्या है, छोटे में 1 लिया, ठीक है, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, ठीक है, लेकिन क्या 1, 2, 3, 4 7 से बड़ी है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें ऐसी कोई वैल्यू या ऐसी कोई यक्ष का मान नहीं मिल रहा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा। इस प्रकार ये जो थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ, इसका रिक्त समुच्चय है। ओके, तो करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बाई यक्ष का समुच्चय इस प्रकार कि बाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का, चलिए दो समांतर रेखाएं बोल दिया, दो समांतर रेखाएं मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को ना काटें। ठीक है,
ये समांतर रेखाएं ये लिया हुआ, ये पी क्यू कर दिया। पहली बात तो दो समांतर रेखाओं की बात हुई, कर दिया। उसके बाद बताना है बाई है, बाई बाई समझे इस प्रकार किन्हीं दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो समांतर रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट देती हैं। अब काटती हैं, उभयनिष्ठ का मतलब ही होता है कि एक रेखा ऐसे कि ये कट गया तो ये उभयनिष्ठ बिंदु कहलाए, जो मैं ओ रख दिया तो ये एल हुई, ये एम हुई, और एक दूसरे को काटेगी तो उभयनिष्ठ बिंदु आएगा। तो अच्छे बताइए, समांतर रेखा जब एक दूसरे को काटती नहीं तो उभयनिष्ठ मिलेगा कहाँ से, और जब उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, रिक्त समुच्चय है। आया समझ में, किन्हीं में दो समांतर रेखाएं ये लिया, उभयनिष्ठ बताइए, दो समांतर रेखाएं उभयनिष्ठ कहाँ है, एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही, छू ही नहीं रही हैं। अगर छूती इंटरसेक्ट करती, अगर दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तब होता, लेकिन दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को टच ही नहीं करती तो क्या हो जाए, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु संभव ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, रिक्त। तो कौन कौन से रिक्त हुए, पहला रिक्त हुआ, तीसरा रिक्त हुआ और चौथा, दूसरा रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें अभी अब दो मिल गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट।